हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप के अंदर एक मॉडी ऑरेंज टाइप का आपको कलर ग्रेडिंग सिखाने वाला हूँ, जिस कलर ग्रेडिंग के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊंगा कैसे आप इसको परफेक्टली कर सकते हो। और इसका जो प्रीसेट्स है वो आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और करने के बाद जो स्टेप्स दिखा रहा हूँ उसको फॉलो करो तो आसानी से आपका फोटो भी सेम टू सेम, मैं जिस तरह से वीडियो के स्टार्टिंग पे आपको आउटपुट दिखाया था सेम टू सेम उसी तरह का आउटपुट आपको भी मिल जाएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे करना है तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, मैं मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले जाऊंगा और वहाँ पे ले जाके आपको सारे कुछ चीज़ें क्लियरली बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूँगा। तो चलिए मैं मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ पे ले जाने के बाद आपको सारे कुछ चीज़ें क्लियरली बता देता हूँ। तो देख सकते हो मैं मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको दिखाता हूँ यही वाला फोटो मैंने लिया। अभी इस फोटो के ऊपर कलर ग्रेडिंग करके दिखाऊंगा। आपका अगर इस तरह का कुछ फोटो का बैकग्राउंड भी इस तरह से कलर का है और कुछ इसी प्रकार से दिख रहा है तो आप भी सेम टू सेम आउटपुट ले पाओगे। तो सबसे पहले राइट क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लो। तो डुप्लीकेट लेयर मैंने बना लिया। अभी डुप्लीकेट लेयर बना लेने के बाद उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हुए ना भूलना, क्योंकि ये करने के बाद अगर आप किसी भी फिल्टर्स वगैरह किसी भी लेयर्स वगैरह अप्लाई करते हो तो आप बाद में उसका मॉडिफाई वगैरह भी कर पाओगे। तो देखो मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। अगर आप फोटोशॉप का सीसी 2015 से 2022 वगैरह जो निकल के आ गया है वो अगर यूज़ करते हो तो सेम टू सेम इस तरह आउटपुट आप निकाल पाओगे। कैमरा रॉ फिल्टर जिसके अंदर होगा वही वाला फोटोशॉप बेहतर आपको आउटपुट देने वाला है इस एडिटिंग के लिए। तो अभी देखो यहाँ पे मैं जाऊँगा फिल्टर पे और यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर सबसे पहले ले लूँगा। अभी कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जो काम करना होगा आप थोड़ा सा टेम्परेचर को यहाँ से इंक्रीज़ कर दो 10 के आसपास, थोड़ा सा टिंट को 5 के आसपास इंक्रीज़ कर दो। एक्सपोजियर मेरा ज़्यादा हो गया है तो मैंने -0.10 के आसपास यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा हूँ और देखो डिक्रीज़ कर लिया। अभी कॉन्ट्रास्ट को लिटिल बिट इंक्रीज़ कर रहा हूँ नियर अबाउट 25 के आसपास। अब यहाँ से हाईलाइट्स को भी लिटिल बिट डिक्रीज़ कर दूंगा, मेरा इस फोटो के ऊपर हाईलाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा है। और यहाँ से शैडोज़ को मैं नियर अबाउट थोड़ी सी डिक्रीज़ कर दूंगा -10, व्हाइट्स को +10 के आसपास करके यहाँ पे ब्लैक को भी +10 के आसपास डिक्रीज़ कर लिया। अभी देखो फोटो किस तरह का लग रही है। आप इस तरह का जब फोटो लगेगा आप थोड़ा सा क्लियरिटी को इंक्रीज़ कर देना +15 के आसपास और यहाँ से डहेज को +5 के आसपास यहाँ पे कर देना इंक्रीज़। और वाइब्रेंस लिटिल बिट इंक्रीज़ कर लेना नियर अबाउट 20 के आसपास, मैं इस फोटो के ऊपर इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो फोटो देखो कुछ इतना तक मेरे को आउटपुट मिल रही है। अभी मैं क्या करूँगा, कलर मिक्सर पे जाऊँगा। यहाँ से सबसे पहले आप एक काम कर लेना, यहाँ से येलो कलर को चूज़ करना। टारगेटेड कलर पहली होगा येलो। अब येलो का जो हुई होगा फुली -100 कर लो, देखो आउटपुट किस तरह का आ रही है। अब जो सैचुरेशन इसका होगा, सैचुरेशन को ज़्यादा कोई चेंजेस पहले मत करना, पहले जाना ग्रीन के ऊपर और ग्रीन का जो हुई होगा इसको भी फुली -100 कर दो। दोनों ग्रीन एंड येलो का हुई जब आप -100 कर दोगे तो कुछ इस तरह से आपको आउटपुट पहले मिल जाएगा। आप एक काम करना, येलो का जो ग्रीन वाला जो है ना, ग्रीन वाला का सैचुरेशन पहले फुल्ली -100 कर दो। अभी येलो पे जाओ, येलो का जो सैचुरेशन होगा लिटिल बिट +25 के आसपास पहले इंक्रीज़ करके देखो किस तरह का आउटपुट मिल रही है। उसके बाद आप इसको एक काम करो, लुमिनेंस को -20 के आसपास करके आप थोड़ा सा भी सैचुरेशन लिटिल बिट इंक्रीज़ करके देखो, अगर ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस आ रही है तो लुमिनेंस को -10 कर लो। अभी देखो फोटो मेरे को कुछ इतना तक आउटपुट मिल रही है। आप एक काम करो, लाइटनेस की कमी आ रही है तो एक काम कर लो, आप यहाँ से हाइलाइट्स वगैरह जो मैंने डिक्रीज़ कर दिया था हाइलाइट्स को 0 कर लो और एक्सपोजियर को यहाँ पे नॉर्मल -0.05 कर लो। और यहाँ से अगेन जाओ कलर मिक्सर पे, यहाँ से सबसे पहले एक्वा कलर के ऊपर चली जाना। एक्वा कलर जो है इस यहाँ पे देखो इसका सूट वगैरह के ऊपर है तो इसीलिए मैंने हुई को फुल्ली -100 किया, सैचुरेशन लिटिल बिट इंक्रीज़ किया, लुमिनेंस थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लिया। अब यहाँ से चली जाऊँगा ब्लू के ऊपर और ब्लू का सैचुरेशन लिटिल बिट इंक्रीज़ कर दूंगा नियर अबाउट +15 to 20 के आसपास। अभी इतना जब हो जाएगा स्किन का कलर चेंजेस करना है तो इसीलिए मैं यूज़ करूँगा ऑरेंज वाला कलर और ऑरेंज का जो सैचुरेशन होगा वो कर लूँगा -30 के आसपास डिक्रीज़। अब यहाँ से जो इसका लुमिनेंस होगा +15 के आसपास इंक्रीज़ कर लूँगा। अभी फोटो देखो मेरे को कुछ इस तरह का मिल रही है। अब चली जाऊँगा डिटेल्स के अंदर, यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन का मैं रिकमेंड करूँगा 50 के आसपास इंक्रीज़ कर लो तो बढ़िया आउटपुट आपको दिखेगा। अब कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी 50 के आसपास कर लो, शार्पनिंग को 25 के आसपास, 20 to 25 के आसपास शार्पनिंग को इंक्रीज़ कर लो तो बढ़िया से आउटपुट आपको मिल जाएगा। अभी इतना होने के बाद आप चली जाना कलर ग्रेडिंग के ऊपर। देखो कलर ग्रेडिंग के ऊपर भी बहुत सारा काम है, वो क्या है, सबसे पहले ग्लोबल वाला को चूज़ करो और मिडिल वाला कर्सर को पकड़ के
नियर अबाउट मैं जिस तरह ले रहा हूँ, देखो नियर अबाउट कुछ इतना तक ले आओ। यहाँ पे हुई देखो 236 एंड सैचुरेशन 19 के आसपास है। यहाँ पे आप एक काम कर लो, लुमिनेंस को -10 के आसपास डाल दो, और अभी अगेन थोड़ा सा चेंजेस करके करके देख लेना कहाँ पे आपका बेटर आउटपुट आपको मिल रही है। मैं तो रिकमेंड करूँगा इतना तक कि आपका बेटर आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरह के जगह पे। और यहाँ से एक काम और एक कर सकते हो, वो क्या है, आप इफेक्ट पे जा सकते हो और इफेक्ट का जो भेगनेट मोड है ना -10 के आसपास डाल लो। अभी इतना जब हो जाएगा आपका मिड पॉइंट को आपको 75 के आसपास कर लेना है इधर, और इतना होने के बाद आप कर लो ओके। तो ओके कर लेने के बाद थोड़ा सा टाइम के बाद देखो यहाँ पे इसका फिल्टर अप्लाई हो चुकी है, तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप एक काम और एक कर सकते हो, फिल्टर अगेन एडजस्टमेंट आइकन पे जाके थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाली लेयर ले सकते हो, जहाँ पे आपका 10 ब्राइटनेस एंड 10 कॉन्ट्रास्ट आप डाल दोगे तो बढ़िया सा आपको आउटपुट इस तरह से दिखेगा। तो अगर ज़्यादा आपका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट हो रही है तो 5-5 करके की भी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट डाल सकते हो यहाँ पे, जिस तरह से मैं यहाँ पे डाला। और इतना होने के बाद आपको लेना होगा कलर बैलेंस वाली लेयर, जहाँ पे आपको सबसे पहले मिड टोन का जो रेड होगा +5 के आसपास कर लो। अभी हाइलाइट्स पे जाओ, जिसका ब्लू को +10, ग्रीन को जो है ग्रीन एंड मैजेंटा को आपको ग्रीन के साइड पे +5 के आसपास, एंड क्यान एंड रेड जो होगा क्यान के साइड पे -5 के आसपास। यहाँ पे इतना किया, अभी क्रॉस किया, अभी पूरा फोटो ओवरऑल देखो, सारे को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप बना दिया। अभी पहले फोटो के साथ एडिटिंग करने वाला फोटो कितना बढ़िया लग रही है। ये जो है डार्क ऑरेंज वाला टोन है, ये आप लोगों को बहुत ही बेहतर लुक दिखेगा इस तरह से फोटो के अंदर। तो आशा करता हूँ आज जो ये जो कलर ग्रेडिंग आप लोगों को दिखाया ये बढ़िया लगा होगा आप लोगों को। और ये जो कलर ग्रेडिंग है इसका प्रीसेट तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, आप वो वाला प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हो। वो कैसे करना है सोचिए, ग्रुप को बंद करता हूँ, बैकग्राउंड का एक डुप्लीकेट लिया लेता हूँ, फिल्टर पे जाता हूँ, कैमरा रॉ फिल्टर यहाँ पे ओपन करूँगा, 3 डॉट पे यहाँ पे सबसे पहले चली जाऊँगा और यहाँ से लोड सेटिंग्स करूँगा। और आपका जो मॉडी ऑरेंज वाला प्रीसेट होगा वो आप एक बार इस तरह से अप्लाई कर देना। अभी देखो ओवरऑल फोटो किस तरह का लग रही है, आप सिंपली कर देना ओके। तो ये देखो यहाँ पे प्रीसेट जो है वो अप्लाई होके तैयार हो चुका है। सिंपली आप इसी प्रकार से भी आप आसानी से कर सकते हो इस तरह एडिटिंग। तो आशा करता हूँ ये जो एडिटिंग है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नए को इस तरह से एडिटिंग के साथ, नए को इस तरह से ट्यूटोरियल वगैरह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।